नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रही है एक और बड़ी खुशखबरी फेस्टिवल सीजन में मिली डीए बढ़ोतरी की सौगात अब 18 महीने के पेंडिंग एरियर की है बारी तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि अठारह महीने के डी एरियर पर क्या नई अपडेट आई है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वेलाइकन को भी मजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत के तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों देश में सीजन शुरू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के रूप में बड़ी सौगात मिली सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों की दिवाली और भी रोशन बनने की तैयारी कर दी है हालांकि अभी 18 महीने के बकाया डीए ए का इंतजार पूरा नहीं हुआ है कर्मचारी को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर कोई फैसला ले सकती है केंद्रीय कर्मचारी के पेंडिंग डीए एरियर पर नई अपडेट आई है कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार दिवाली के बाद इस पर फैसला ले सकती है कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारी को बकाया डीए एरियर का भुगतान का ऐलान कर सकती है दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी का जनवरी दो से जून 2021 तक का डीए ए एरियर पेंडिंग है सरकार ने देश में कोविड नाइन्टीन महामारी प्रकोप के दौरान कर्मचारी का अठारह महीने के डी एरियर को रोक दिया था अब जबकि कोरोना का प्रकोप लगभग खत्म हो चुका है तो इसे लेकर लागू तमाम तरह की पाबंदियों को हटा देना चाहिए ऐसे में कर्मचारी को होल्ड किए गए अपने बकाया एरियर के मिलने की उम्मीद जागी है और वे लगातार सरकार से अपनी बकाया राशि का भुगतान की मांग कर रहे हैं खबरों के मुताबिक अब यदि एरियर की बात बनती है तो 11 प्रतिशत का एक मुफ्त एरियर दिया जाएगा डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा दोस्तों सितंबर में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें दिवाली से पहले एक फेस्टिवल गिफ्ट दे दिया है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी पर मोहर लगा दी है इसके बाद उन्हें मिलने वाला डीए ए चौंतीस प्रतिशत से बढ़कर अड़तीस प्रतिशत हो गया है दोस्तों इस बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को एक जुलाई दो से दिया जाएगा यानी दिवाली पर उन्हें मिलने वाली सैलरी में बड़ा इजाफा दिखाई देगा और उनकी सैलरी इस बार रोशन होगी दोस्तों सरकार साल में दो बार सरकारी कर्मचारी के डीए में बदलाव करती है डीए कर्मचारी की बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत